तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ते हुए अभी हमने 2 किलोमीटर का सफर तय किया है। सफर खासा मुश्किल तो नहीं है क्योंकि रास्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी देर पहले हमने फोटो खींची थी तो यहाँ पर बादल नहीं थे, अब बादल आ गए हैं। 2 किलोमीटर हम चले हैं, उतनी ज्यादा थकान नहीं है, रास्ता ऐसा है, सिंपल रास्ता है, लेकिन है मजेदार, नेचुरल ब्यूटी बहुत ही बढ़िया। तुंगनाथ ज्यादा नहीं है, 3.5 किलोमीटर है, लेकिन रास्ते में जो नेचुरल ब्यूटी है क्या कहना। मजा आ गया, बद्रीनाथ के बाद यहाँ पहुंचे आज, बहुत ही बढ़िया। तो ज्यादा थकान वाला नहीं है, थकान थोड़ी आ जाती है, रेगुलर ट्रैकर नहीं है, लेकिन क्या चंदन जी कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत और अलौकिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम जैसे स्वर्ग में आ चुके हैं। स्वर्ग में आ गए, भगवान शिव जी के सबसे उच्चतम मंदिर पर हम ट्रैक कर रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है, मतलब अद्भुत नजारे हैं। वास्तव में इतने सारे ट्रैक करे हैं हमने, कभी ये ऐसे नजारे देखने को नहीं मिले हैं। झरने अलग बह रहे हैं, पेड़ अलग अलग, खास जरूरत नहीं है क्योंकि ये देखिए वो विलेज है, वहाँ पर भीड़ है और मकान ऐसे है, मतलब कि ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं है, होटल नहीं है, घरों में रहना है। सबसे बड़ी बात उन घरों में आपने रहना है, उसका सबसे जबरदस्त मजा है। दो साथी हमारे नीचे आ रहे हैं, हम अभी पहुंच गए हैं तुंगनाथ, तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हैं, ये कितना प्यारा व्यू है तुंगनाथ का, और ये है वो हिमालय पर्वत जहाँ बोलते हैं कि भोलेनाथ वास करते हैं। भोलेनाथ जहाँ होते हैं वहाँ ऐसी होता है, इतना फॉग, इतना कोहरा, और नेचुरल ब्यूटी तो वाकई में जबरदस्त है, फैन हो गए। तो हम पहुँच गए कि तुंगनाथ, ये महादेव का भारत में सबसे हाइट में स्थित मंदिर है। तो इतनी हाइट है, आप देख सकते हैं फॉग, हर टाइम यहाँ पर फॉग लगा रहता है, और नीचे का भी जो दृश्य है, मतलब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा, इतना सारा फॉग यहाँ पर रहता है। तो ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, ट्रैक अच्छा है, लेकिन फिर भी जबरदस्त ट्रैक है, कम भीड़ होने की वजह से ज़्यादा संसाधन नहीं है। तुंगनाथ मंदिर है जो हिंदुस्तान के विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, और कहते हैं कि पंच केदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर है। जब भगवान, जब पांडव मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब उन पर कुल अपने वंश दोष लगा था, तो उसकी मुक्ति के लिए जब इधर की तरफ को आए तो भगवान भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। तो यात्रा जब उन्होंने शुरुआत करी, जब केदार घाटी में जब गए, तो वहाँ जो है भगवान भोलेनाथ भैंस के रूप में वहाँ पर मौजूद थे, तो भगवान भोलेनाथ उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो वो जो है धरती के अंदर समाने लग गए। जब धरती के अंदर भगवान भोलेनाथ समाने लग गए तो भीम ने उनकी पीठ को छू लिया। तो हुआ क्या, जब पीठ को छुआ तो वो जो पीठ का भाग है, जो गोबर था, वो वहीं मौजूद हो गया जो इस समय केदार घाटी में केदारनाथ है। और ऐसे और चार जो है लिंग जो है ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ के, जैसे केदारनाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, मध्यनाथ है, कल्पनाथ है, ये जो है यहाँ मौजूद हो गए। तो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर ये मौजूद है और यहाँ आके बहुत मोक्ष प्राप्ति होती है, और यहाँ का दृश्य अलौकिक है, अद्भुत है।